ऊपर से तो ये हो गया है, अब इसको रखेंगे इसके ऊपर। देखिए क्या बात है यार, ज़बरदस्त भाई साहब सब जगह। ये देखो क्या बात है यार, एकदम हवा में इन्होंने बटर की खुशबू कर दी। देखिए ये मैं फ़ोटो खींच जी, आप क्या लगाएंगे हमारे लिए? मंचूरियन लगाएंगे। लगाएं मंचूरियन, ये देखिए कलर देखो यार कितना ज़बरदस्त आया। और जो ने कॉर्नफ्लावर जो पानी मिक्स कर, ये ऊपर से बीका जी भुजिया चली गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। आज हम लोग आएँ अशोक उद्यान, देख ले सामने हमारे अशोक उद्यान है, उसके एकदम सामने है। मैं 2-3 बार यहाँ पर आया था लेकिन हमारे यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि बॉम्बे A1 सैंडविच के नाम से यहाँ पे मैम है जिनका नाम है नेहा, वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सैंडविचेस और बहुत से फास्ट फूड भी है, लेकिन ज़्यादा उनका जो सिग्नेचर जो डिशेस है वो सैंडविचेस हैं। तो हम लोग सैंडविचेस ट्राई करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको और दिखाऊंगी, और इनके पास बर्गर्स हैं, चाउमिन है, 2-3 चीज़ें आपको और यहाँ मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग अशोक उद्यान पर चलते हैं सीधा वहाँ पर बॉम्बे A1 सैंडविच में, और नेहा मैम से बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया उनको ये सैंडविच का कार्ट लगाए हुए। और बहुत फेमस है यार यहाँ पर, देखिए अभी देखिए आप यहाँ पर सब काफ़ी सारे इनके कस्टमर्स यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे सैंडविचेस खा रहे हैं। आ जाए मैम से बात करते हैं, एक मिनट वैसा ना। हेलो मैम, कैसे हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक है सर। और क्या नाम है मैम आपका? नेहा। नेहा मैम, तो हम लोग 2-3 बार आए थे लेकिन आप यहाँ पे नहीं थे, और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने कहा कि मैम का सैंडविच ट्राई करें और बर्गर्स भी ट्राई करें। तो जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए मैम, एक तो सबसे पहले बताएं मुझे अपना कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको कार्ड लगाए हुए? हमें सर 7 ईयर हो रहे हैं यहाँ पे काट लगा। जी क्या बात है, तो फिर हम लोगों का यहाँ पे कभी आने नहीं हुआ, 2-3 बार में आया था लेकिन आपसे पर हम शायद आपको नहीं मिले थे। इसके सैंडविच के साथ साथ में और क्या क्या रखते हैं मैम? अपने पास सैंडविच है, बर्गर है, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्ज़ा, हॉट डॉग, मैगी, क्या बात है, मतलब ये सब आइटम मिलेंगे आपको कार्ट में। आप ये सब चीजें आप यहाँ पे सर्व कर जी सर कर रहे हैं, तो एक हम लोग आपके 2 तो सैंडविच लेंगे जी, और उसके अलावा मुझे बताएं कि आप बर्गर लेना चाहिए, पिज्जा लेना चाहिए या आपकी चाउमीन ट्राई करनी चाहिए, बताएं सर। आप पिज्जा ट्राई करिए, पिज्जा ट्राई करें, कौन सा आप हमारे लिए बनाएंगे मैम? हम आपके लिए तंदूरी पनीर पिज्जा लगा दें। पनीर पिज्जा फिलहाल आपको इनका मेन्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक पिज्जा रखें आप, तो ये इनका पूरा मेन्यू यहाँ पे बाबू आप ले लो, आप ले लो 50 रुपये यहाँ पे सैंडविच मिलेंगे। उसके बाद अगर आप एक और अगर सैंडविच की बात करेंगे तो पनीर पिज्ज़ा सैंडविच का बहुत फेमस है, बर्गर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैगी आपको यहाँ मिल जाएगी, पिज्ज़ा मिल जाएंगे, हॉट डॉग उनके पास है, मिल जाएंगे और चाउमीन। तो प्राइस की अगर आप बात करेंगे प्राइस में आप बहुत से मुझे कस्टमर्स भी मिले जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर का जो रिव्यू वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेलो मैम, क्या नाम है मैम आपका? रिम्पी मैम, कैसा लगता है मैम आपको यहाँ पे सैंडविच? बहुत टेस्टी है सर। जी जी, आप हम पाउडर से आए हैं, पाउडर से यहाँ पे आए हैं सर, मोस्टली यहाँ पे आते रहते हैं, तो जी जी फेमस बहुत है इनका। आप लोग आप लोगों ने आज क्या ट्राई किया है यहाँ पे? हमने इनका सैंडविच मंचूरियन, हाँ हाँ, और चाउमीन, चाउमीन, पनीर पिज्जा, हाँ, और सारा ही बहुत टेस्टी है। मेन इनका सैंडविच बहुत सैंडविच बहुत फेमस है ना, आप लोग यहाँ पे सीधा पावटा से जी जी चौपाटी छोड़ के हम लोग यहाँ। अरे क्या बात है, तो मतलब आप सोचो कि पावटा से अगर कोई अशोक उद्यान में सैंडविच खाने आ रहा है तो वाकई में इनका सैंडविच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जी जी, आपने भी वही लिया मैम, सब आप लोग सब एक साथ ही आए, तो आपने पूरा मेन्यू मतलब आपने ट्राई किया यहाँ पे, तो मतलब सारी चीज़ें अच्छी है ना। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया हमको, थैंक यू वेरी मच। कस्टमर भी हैं, क्या नाम है बेटा आपका? रिद्धिका राज। रिद्धिका राजपुरोहित, तो आपको क्या अच्छा लगा मैम, आपने क्या ट्राई किया यहाँ पे? चाउमीन। चाउमीन लिया आपने, आप कौन सी क्लास में बेटा? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में, और स्कूल कौन सी है आपकी? महावीर पब्लिक स्कूल। हाँ, तो मुझे लग रहा है आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, नहीं अच्छे मार्क्स आप लेके आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी इनके कस्टमर, और आपने सैंडविच ट्राई किया? सैंडविच भी लिया, मतलब सारी चीज़ें अच्छी है ना। तो देखिए इतने सारे जो कस्टमर्स थे उनका रिव्यू लिया, बच्ची का भी उन्होंने रिव्यू लिया, अब हम लोग सीधा चलते हैं पीछे और देखते हैं मैम नेहा मैम हमारा सैंडविच कैसे बना रहे हैं। तो आपको क्या नाम है साहब? नरेंद्र जी। आप ये आपके हस्बैंड हैं? अरे क्या बात, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो बने हमारे लिए सैंडविच बनाए सर, सबसे पहले जो रेगुलर वाला है वो। जी जी, देखिए इनका जो अगर आप काउंटर की बात करेंगे
तो कितना नीट एंड क्लीन ये लोग काम कर रहे हैं, और सब जो भी वेजिटेबल्स है वो फ्रेशली कटे देखिए। तो सबसे पहले भाई साहब ने अमूल बटर लगा दिया इसमें, ये देखिए। तो ये अपन जो लगा रहे हैं ये 50 रुपये का भाई साहब सैंडविच, ये देखिए। ये क्या भाई साहब, या जो आपका खुद का जो मसाला है ना, आप खुद बनाते हैं? और क्या, ये देखिए ये इनका सीक्रेट मसाला चला गया। ये खीरा चला गया इसमें। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो बॉम्बे A1 सैंडविच पाना पड़ेगा, जो कि अशोक उद्यान के एकदम सामने लोकेटेड है। ये सब वेजिस चली गई, ये मायनीज चली गई इसमें, टमाटर, अब इसको हम लोग ग्रिल करेंगे ना। ये डबल स्लाइस का 50 रुपये का सैंडविच ग्रिल होने के लिए तैयार है। तो फिर मुझे एक आपका आइटम चाहिए, फिर आप मुझे बताएं। हाँ, इनका ले लेना। जी जी जी, ये देखिए पूरा भाई साहब ने बटर में गच कर दिया इसको, देखिए ये चला गया अंदर। इसको हम लोग ग्रिल करें, कितना टाइम लगेगा भाई साहब ग्रिल होने में? ग्रिलर जब कंटिन्यू ग्राहक चलता रहता तो एक मिनट में निकल जाता है। एक मिनट में निकल जाता है? अच्छा, मतलब जब ये गर्म रहती है। हाँ, और मैं काटता है। क्या बात है, ये देखिए हमारा जो रेगुलर सैंडविच है वो हो चुका है। क्या बात है, कितना परफेक्टली ग्रिल हुआ यार। ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पे 50 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे और अशोक उद्यान पे आके इनका सैंडविच ट्राई करना पड़ेगा। ये हमारा सैंडविच रेडी है, हम लोग ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने की चटनी चलेगी इसमें, टमाटर सॉस, ये आपका जो मसाला है जो स्पेशल मसाला है सैंडविच मसाला चला गया। ये इसकी जान है ना, ये प्रोसेस चीज़ इन्होंने ग्रेट कर दी इस पर, ये देखिए। ये ऊपर से बीकाजी भुजिया चली गई। चलिए ये हमारा सैंडविच रेडी है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको ट्राई करते हैं फिर हम लोग। पहले मेरा प्लान था कि हम लोग इनका सैंडविच और पिज़्ज़ा लेंगे, लेकिन अब मैंने सोचा मैम ने कहा कि मंचूरियन ट्राई करना चाहिए तो मंचूरियन भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे बॉम्बे A1 सैंडविच पे थे और आज हम लोग इनका जो रेगुलर, सबसे पहले हम लोग जो इनका जो रेगुलर जो सैंडविच है वो ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए ये मात्र 50 रुपये में आपको मिलेगा यहाँ पे अशोक उद्यान के एकदम सामने। चलिए इसको ट्राई करते हैं। वाकई में सैंडविच A1 है यार, जो इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ किए वो सुपीरियर, और इनका जो स्पेशल जो मसाला है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और उनकी जो ब्रेड की जो क्वालिटी है वो भी एकदम फ्रेश है। चलिए ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैम के पास चलेंगे और देखते हैं मंचूरियन कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर इनका सैंडविच तो ट्राई कर लिया। अब नया जी आप क्या लगाएंगे हमारे लिए? मंचूरियन लगाएंगे? लगाएं। मंचूरियन कितने का है? 60 का है, तो 60 रुपीज़ में हमको, मात्र 60 रुपीज़ में हम लोग ज़बरदस्त मंचूरियन ट्राई करेंगे। ये देखिए सर, आपके मंचूरियन ड्राई है ग्रेवी? ग्रेवी ट्राई करेंगे, मंचूरियन ग्रेवी। ये देखिए, तो ये पत्ता गोभी इसमें क्रश करेंगे, तो कट करके। टाइमिंग क्या रहती है मैम अपनी वैसे? 4 से 11, मतलब शाम को 4 से लेके रात को 11 बजे तक आप यहाँ रहते हैं, और एवरीडे आते हैं ना आप? कभी कभी छुट्टी हो जाती है। कभी कभी। ये देखिए बटर डाल दिया उन्होंने इसमें, देखिए ये देखिए, ये देखिए पत्ता गोभी चली गई इसमें बटर में, इसको थोड़ा बहुत हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए ये सब चीज़ें ट्राई करनी तो आपको बॉम्बे A1 सैंडविच पाना पड़ेगा, जो कि अशोक उद्यान के एकदम सामने लोकेटेड है। यार प्याज चलेगा इसमें, शिमला मिर्च चली गई, टमाटो सॉस,
ये कर दो। नमक, ब्लैक पेपर, ये मैं आप देखो इतने से छोटी सी कार्ट में सारे जो भी आइटम है प्रॉपरली आपको सर्व करें, मतलब बहुत सारे आइटम इनके मेन्यू में यार, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, चाइनीज़, मैगी, सब कुछ एक ही काउंटर से सर्व करें तो कितनी बड़ी बात है। देखिए इसको मंचूरियन को कट कर देंगे, कितने पीसेस आएंगे मैम इसमें? 8 पीस आएंगे। आठ के 16 पीस ना, 16 पीस हो जाएंगे इसमें, तो आपको हम 1/2 करके डाल दिया था। जी जी, खाने में इजी रहे, खाने में इजी रहे और प्रॉपर्ली पक भी जाए ना, प्रॉपर्ली गर्म हो जाए। ये देखिए तो ये 16 पीस चले गए इसमें। नहीं आपके लग रहे मैम, सैंडविच आपके ले रहे हैं। ये देखिए तो तू और मम्मी आ रहे हो, ठीक है। हाँ डाल डाल, देखिए कॉर्नफ्लावर डाल दिया, तो थोड़ी बहुत इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाए और पूरा जो ग्रेवी है वो मंचूरियन पे जो इन्होंने डाला है वो पूरा उस पर रैप हो जाए। ये देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त। इसके अलावा मैम आप क्या करते हैं फिर सुबह, मतलब कुछ और? अच्छा पूरे दिन इसकी चलती रहती है, उसके बाद फिर शाम को आपको जब यहां आते हैं उससे पहले इसकी प्रिपरेशन सब आप, मतलब सुबह से आपको ये सब तैयारी करनी पड़ती होगी ना, ताकि शाम को अपन ऑर्डर्स लगा सकें। अच्छा देखिए हमारा मंचूरियन रेडी है, तो मात्र 50 रुपये में हम लोगों ने सैंडविच लिया और 60 रुपये का मंचूरियन, तो मतलब 110 रुपये में हमने यहाँ पे दो चीज़ें ट्राई कर ली यार, क्या बात है। तो चले ये हमारा मंचूरियन ग्रेवी रेडी है। ये देखिए कलर देखो यार कितना ज़बरदस्त आया, और जो ने कॉर्नफ्लावर जो पानी मिक्स करके जो मिला है ना उससे जो ग्रेवी है वो थिक हो गई और पूरा मंचूरियन पर रैप हो गई। चलिए इसको भी चालू करूँ। हाँ भाई, तो हम लोगों ने इनका बॉम्बे A1 सैंडविच का जो सैंडविच है वो हमने ट्राई कर दिया, और सर्दी के मौसम में अगर आपको गर्मा गर्म मंचूरियन मिल रहा है और वो भी स्ट्रीट फूड में, तो आपको और क्या चाहिए, सिर्फ मात्र 60 रुपये मैंने पे किए हैं मंचूरियन के। चलिए इसको ट्राई करते हैं, और देखिए ये मैंने ग्रेवी वाला लिया है ना, ग्रेवी मंचूरियन वाला ट्राई करेंगे। देखिए ये इनका मंचूरियन है, चलिए इसको ग्रेवी के साथ डिप करते हैं और उसको ट्राई करते हैं। एक नंबर यार, अगर अपन यूजुअली कहीं मंचूरियन खाते ना तो 60-70% वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे देखो एकदम पास में देखा कितना सॉफ्ट है। देखो इसका मतलब है कि इन्होंने फ्रेशली मंचूरियन बनाया और उसके बाद में फिर इन्होंने इसको फ्राई किया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त मंचूरियन बनाया और एकदम फ्रेश बनाया। ऐसा नहीं कि इन्होंने बना के रख दिया, क्योंकि बनाने के बाद मंचूरियन हार्ड हो जाता है, फिर वो खाने का मज़ा नहीं आता है। तो अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो एकदम फ्रेश उन्होंने मुझे मंचूरियन सर्व किया। चलिए एक मैं बाइट और लेता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग एक आइटम और लेंगे, वरना फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। तो नया मैम, हम लोगों ने आपकी दो चीज़ें ट्राई की, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त थी। पहले सैंडविच ट्राई किया, उसके बाद आपने जो मंचूरियन बनाया ना, मंचूरियन मुझे अच्छा इसलिए अच्छा लगा कि यूजुअली क्या अपन कहीं भी स्ट्रीट फूड पर खाते ना तो वो ऑलरेडी बना के रखते, पता नहीं कब से, और आपके क्या जो मंचूरियन थे ना वो एकदम सॉफ्ट थे, यूजुअली एकदम हार्ड हो जाते हैं फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा पहले मेरा मन था मैं दो चीज़ें ट्राई करूँगा, लेकिन खाना आपका इतना लजीज है, मैंने कहा चलो क्यों नहीं आपका पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हैं। तो पिज़्ज़ा कौन सा लगाएंगे आप? सर हमारे पास ऑनलाइन कैप्सिकम पिज़्ज़ा है। नहीं आप वो कौन सा कहते हैं, पनीर तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा लगाएंगे? पनीर में लेना पसंद करोगे या चीज़ में? ऑनलाइन नहीं, चीज़ में नहीं, मुझे चीज़ पनीर में लेंगे। हाँ तो मिक्स वेज पनीर, मिक्स वेज पनीर लगाएंगे। वो कितने का है मैम? 140 का। तो लगाएंगे आप हमारे लिए? पीछे पीछे लगेगा, चलिए पीछे चलते हैं।
ये हमारी बन रहा है भाई साहब। तो अभी फिलहाल अपन कौन सा लगा रहे हैं सैंडविच? मिक्स वेज पनीर सैंडविच लगाएंगे। पिज्जा सॉरी पिज्जा पिज्जा सैंडविच तो हमने खा लिया यार, पिज्जा ट्राई करें। मिक्स वेज पनीर पिज्जा ट्राई करेंगे। देखिए इसमें अनियन चले गए, थोड़ा बहुत क्या जाएगा, कैबेज कैबेज गया, क्या बात है। सारे वेजिटेबल्स की अगर आप बात करेंगे तो एकदम फ्रेशली कट है। मैंने जहाँ पे तीन चीज़ें खाई, तीनों मैंने उन्हें जो मसाले यूज़ किए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये क्या भाई साहब? पिज़्ज़ा सॉस चलेगी इसमें। और एकदम मेन रोड पे यार अगर आप शूट करें तो शूट करना और खाना खाने का कुछ अलग ही एक मज़ा होता है। ये देखिए ये तंदूरी सॉस के बाद आपने क्या डाला भाई साहब? सीजनिंग डाल दी इसमें आपने। ये देखिए बहुत नमक, इसको सबको हम लोग मिक्स कर देंगे ताकि जो भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और पूरे जो फ्लेवर्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं आपके पिज़्ज़ा में। और पनीर, अब पनीर आ गया इसमें। देखिए पनीर एकदम फ्रेशली कट। ये देखिए ये देखिए पनीर चला गया इसमें, पनीर भी पूरा मसाले में एकदम रैप हो गया यार। ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको नया मैम के यहाँ पे आना पड़ेगा और बॉम्बे A1 सैंडविच के नाम से इनका ज़बरदस्त एक फूड कार्ट है जो कि ये और इनके जो हस्बैंड है वो रन करते हैं कुछ शाम को 4 से लेकर रात को 11 बजे तक। ये देखिए टमाटो सॉस चलेगी इसमें। और मेरी अगर आप पर्सनली बात करेंगे तो मुझे थिन क्रिस्प पिज़्ज़ा होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं क्योंकि ये जो बेस जो मोटे वाले जो बेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं अगर पिज़्ज़ा की बात करेंगे। थिन क्रिस्प मुझे बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं है लेकिन ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा का बेस है। ये देखिए क्या बात है यार ज़बरदस्त। इसमें प्रोसेस चीज़ चली गई देखिए और 140 रुपये में यार पूरा इन्होंने चीज़ में गच कर दिया। देखो यार अब क्या बात है, मतलब मात्र 140 रुपये में फुली लोडेड अगर आपको सैंडविच ट्राई करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा बॉम्बे A1 सैंडविच जो कि अशोक उद्यान के सामने लोकेटेड है। देखो क्या बात है यार वैसे मज़ा आ गया। देखिए इनका ये गैस का ओवन है यार, देखो ऊपर से फ्लेम आ रही है और इसमें क्या है अगर ये रोस्ट हो रहा है तो आप यकीन मानो क्या ज़बरदस्त पिज़्ज़ा होने वाला है। ये देखिए तो पूरा गैस का इनका ओवन है और ये हमारा पिज़्ज़ा है। देखिए ये अंदर जाएगा, अब ये अंदर चला गया। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए इसको बंद कर दें। इसको कितना टाइम लगेगा सर होने में? 5 से 6 मिनट, बस 5-6 मिनट में हो जाएगा। 5-6 मिनट हम लोग वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे पिज़्ज़ा बना। ये देखिए अभी हमारा जो पिज़्ज़ा है वो 50% हुआ है। देखिए भाई साहब निकाल के दिखाओ। और अब क्या है भाई साहब है ना, इसको ऊपर से तो ये हो गया है, अब इसको रखेंगे इसके ऊपर। देखिए क्या बात है यार ज़बरदस्त भाई साहब का कॉन्सेप्ट देखो आप, मतलब ऊपर से तो उन्होंने कर दिया, अब नीचे से इसका जो बेस है ना वो ये करेंगे इसको। भाई साहब मुझे एक फ़ोटो भी खींचना पड़ेगा भाई साहब उस जगह। ये देखो क्या बात है यार, एकदम हवा में इन्होंने बटर की खुशबू कर दी। देखिए ये ज़बरदस्त वेज पनीर पिज़्ज़ा रेडी है यार, भाई साहब ने कितना ज़बरदस्त बनाया। ये देखो वाह, अब इसको हम लोग कट करेंगे। ये हमारा वेज पनीर पिज़्ज़ा रेडी है और इसको हमने गार्निश कर दिया। ये देखिए ये भी बस है ना, चिली फ्लेक्स चला गया इसमें। और क्या बस हो गया वैसा भी है। और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। A1 सैंडविच के दो चीज़ें हमने ट्राई कर ली थी, हम लोग ने सैंडविच लिया, इनका मंचूरियन लिया और अब बारी है इनका ज़बरदस्त वेज
पनीर सैंडविच का सॉरी वेज वेज पनीर पिज़्ज़ा का है, क्योंकि सैंडविच भी इतना अच्छा लगा। हम लोग यहाँ सैंडविच के लिए आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं इनका मेन्यू इतना ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज इनका पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा भी यार एक नंबर है, बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने आपने देखा होगा ऊपर से जब इन्होंने जो पिज़्ज़ा को रोस्ट जब बेक किया तो ओवन में डाला और फिर ऊपर ओवन के ऊपर फ्राई पैन पड़ा है, उसके नीचे से भी इसको एकदम क्रिस्पी कर दिया। देखिए पूरा प्रॉपरली ये बेक हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। मस्त है यार। तो भाई आज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम लोग यहाँ पर आए थे बॉम्बे एवन सैंडविच में, हमने तीन चीज़ें ली, बहुत ही ज़बरदस्त मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। सबसे बड़ी बात, जो प्राइसिंग है वो काफ़ी रीजनेबल है और प्राइसिंग के साथ साथ में इनकी जो क्वालिटी वो एक नंबर है। थैंक यू सो मच मैम, आपने परमिशन दी यहाँ शूट करने के लिए और आपने ज़बरदस्त मुझे खाना खिलाया, बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा मुझे सैंडविच तो था ही, लेकिन जो आपका पिज़्ज़ा था ना वो परफेक्टली बेक हुआ था और वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। भगवान आपको और तरक्की दे और आप लोग ऐसे ही हमको खाना खिलाते रहें। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी है तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।